नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे टैलेंट पहचान चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जो अपने मोबाइल हैं उसमें बिना किसी सॉफ्टवेयर के रिंगटोन कैसे सेट करते हैं या बनाते हैं, नई रिंगटोन बनाना सीखें अपने मोबाइल में। जी हाँ दोस्तों, आप कभी पहले नहीं जानते होंगे तो पहले आप क्या करते थे कि एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते थे और उसमें रिंगटोन कटर जो होता था उससे आप रिंगटोन बनाते थे। लेकिन मैंने मोबाइल में एक ऐसा फंक्शन निकाला है, आपके हर मोबाइल में होता है ये दोस्तों, लेकिन आपको मिलता नहीं है, कि आप अपने मोबाइल में ही बिना किसी सॉफ्टवेयर के रिंगटोन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको टैलेंट पहचान चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी फाइल मैनेजर में आ जाना है, जैसे कि मैं आपके सामने अभी जा रहा हूँ। आपको अपनी फाइल मैनेजर ओपन करना है। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अपनी फाइल को ओपन कर लिया है। अब आपको अपने जो सॉन्ग है उसमें जाना है, आपका कौन सा सॉन्ग है आप उस हिसाब से आपको ले लेना है। तो चलिए मैंने अपना सॉन्ग ले लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे तो ये वाला सॉन्ग की रिंगटोन बनानी है। मेरे पास देखिए आप, यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, बस फाइल में हूँ मैं, आप भी देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सॉन्ग पर आपको क्लिक करे रहना है। क्लिक करे रहने के बाद आपको यहाँ पर नीचे मोर ऑप्शन का जो ऑप्शन आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आप यहाँ पर अगर आप इसे सेट करना चाहते हैं तो आपको सेटस का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसमें से कोई रिंगटोन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए मेक ए रिंगटोन। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन निकल कर आए हैं कि भाई एडिट सिम इनकमिंग रिंगटोन, एडिट सिम टू इनकमिंग रिंगटोन, एडिट सिम वन एसएमएस रिंगटोन, एडिट सिम टू एसएमएस रिंगटोन, या फिर एडिट अलार्म रिंगटोन। आप किस में इस रिंगटोन को लगाना चाहते हैं तो ये आपको चूज़ कर लेना है। चलिए हम सेकंड वाले सिम पर लगाते हैं। तो आपके सामने दोस्तों इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा आपको, ठीक है। पूरी 1.5 मिनट की जो ये रिंगटोन है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको कितनी बड़ी रखनी है रिंगटोन, 30 सेकंड की रखनी है या 35 सेकंड की या 40। चलिए मैं 40 की रहने देता हूँ। उसके बाद में इसे जहाँ से आपकी रिंगटोन हो वहाँ तक आप इसे ले जाइए दोस्तों। तो मैंने यहाँ से लेना है और यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी रिंगटोन बनकर तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से डन कर देना है। अब जैसे कि आप जैसे यहाँ पर डन कर देंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने डन कर दिया तो आप देख सकते हैं कि डन हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो रिंगटोन है वो सेट हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए अब मैं आपको सेटिंग में जाके दिखाता हूँ कि मैंने जो सिम टू में अपनी रिंगटोन सेट की थी वो सेट हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए मैं आपको बजा के भी सुना देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपनी जो रिंगटोन थी वो आपको बजा के दिखाई है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल में बिना किसी सॉफ्टवेयर के रिंगटोन बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करें वो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका।